वेलकम बैक टू माई चैनल लाइक एंड मेकअप ऑन सिगन विथ योर सनी। तो डियर, आज मेरे पास कुछ पाउडर्स है, कम्पैक्ट है, बनाना पाउडर, लूज पाउडर। तो मैं आप लोगों के लिए बजट में अंडर 500 में कौन सा वाला पाउडर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिनिश देगी, ब्राइडल से लेके आप ऑल डे, आई मीन आप रेगुलर एवरीडे मेकअप के लिए ढूंढ रहे हो, तो उसमें सभी में ये वाला पाउडर्स आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। तो ये वीडियो है टोटली फॉर दैट, लूज पाउडर्स, कॉम्पैक्ट्स, बनाना पाउडर के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको जो करनी है, रेड वाला फ्री बटन को प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, और वीडियो एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई हैव 1, 2, 3 एंड 4। ये इसमें ये वाला थोड़ा सा प्राइजियर साइड में है, तो इसको डिस्काउंट में मिल जाती है। 4 जो है इसमें, ये है बनाना पाउडर पर्पल का, ये मैंने नया परचेस किया था फ्रॉम पर्पल से। पर्पल का प्रोडक्ट पर्पल में मिलेगा। ओके, इसका प्राइस मैं बता दूँ, ये है 449, बट डिस्काउंट में मुझे 350-400 तक मिल जाती है, काफ़ी अफोर्डेबल है। बनाना लूज पाउडर की जगह ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। मैं दिखा दूँगी सभी का इंडिविजुअल। ये इसके ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी रियर रिव्यूज़ है, आप देख सकते हो इंडिविजुअल रिव्यू। ये फिटमी का पोरलेस मैट कॉम्पैक्ट पाउडर SPF के साथ आती है। बाय द वे, इसमें कोई SPF नहीं है बेकिंग पाउडर में जो पर्पल का दिखा है, बट इसमें 28 PF ट्रिपल प्लस है, ऑयल कंट्रोल है, 109 है मेरी शेड, लाइट आइवोरी, बहुत सारा शेड्स मिल जाती है। ये 199 है इसका प्राइस, है काफ़ी अफोर्डेबल है। और 2 ईयर्स है इसका शेल्फ लाइफ, 8 ग्राम्स है इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत अच्छे से आती है। पफ भी प्रोवाइड करते हैं ये, मैं थोड़ा खोल के दिखा देती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वन, आप देख सकते हो। पफ हालांकि बहुत गंदा हो चुकी है, मेरे भी गंदा हो चुकी है, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, या बहुत ज़्यादा चलती है। कॉम्पैक्ट में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट फिर भी विंटर में बहुत अच्छे से काम करती है, और कैरी करने में बहुत इजी होती है। लूज पाउडर कैरी करना बहुत दिक्कत हो जाती है डियर। तो ये बहुत ही कवरेज बहुत अच्छे से देती है। मिनिमम मेकअप करो ये लगाओगी तो लॉन्ग लास्टिंग है, कवरेज बहुत अच्छे से देती है। बहुत सारा शेड्स अवेलेबल है, आपकी स्किन के स्किन टोन के अकॉर्डिंग लो। मैटिफाई रखती है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ 5 to 6 आवर्स के बाद होल फेस में एंड 1 to 2 आवर्स के बाद बहुत ज़्यादा मेरी ऐसे ब्यूटीफुल नोज में जितना ऑयल निकल रही है, आपका भी ऐसी ही हालत है तो ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको रीअप्लाई करनी पड़ेगी थोड़ा सा बफ आउट करके स्पंज के साथ। तब आप पफ के साथ करोगे तो पोर्स विजिबल होगी, दिस इज द केकी हो जाती है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा वेट स्पंज के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करोगे तो बहुत अच्छे से रहती है। और इसकी बात अगर मैं बोलूँ तो ये इसमें कोई SPF नहीं आती है, इसमें भी पफ प्रोवाइड करती है, बट ये पफ मुझे बेकार की लगती है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पफ। और जी हाँ, ये बेकिंग और सेट के लिए 9 ग्राम्स का प्रोडक्ट है, 1 ग्राम ज़्यादा है 1 ग्राम, और ये है इसका टेक्स्चर, आप देख सकते हो टोटली बनाना पाउडर के फॉर्म में है। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, या दिस इज़ द शेड, ये सिंगल शेड में आती है, बहुत सारा दूसरा भी शेड मिल जाएगा, ट्रांसलूसेंट है बहुत सारा। तो मुझे बनाना पाउडर कैसे कॉम्पैक्ट के जगह पे मिलती है, मुझे ये लेना था, बहुत ही बटरी सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। लेकिन डियर एक कॉन है मुझे इसमें लगी, थोड़ी देर बाद केकी हो जाती है इफ़ यू अप्लाई लिटिल बिट ज़्यादा। एंड अनदर रहे कि आपका ड्राई स्किन है, तो मैं इसे इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँ कि लूज़ वाला लो, ये परफेक्ट है फॉर ऑयली स्किन, या समर में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको स्किन में ड्राइनेस फील होगी कुछ देर बाद, अगर आपको बहुत ड्राई स्किन है विंटर में लगा रहे हो। समर में परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए, एटम बोम है और बहुत अच्छे से कवरेज देती है। और एक बात मैं फिटमी का भी आपको दिखा दूँ, अपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिटमी का भी दिखा देती हूँ। ये है शेड 109 का, या ये इससे थोड़ा हल्का है। ये बनाना पाउडर है, बनाना पाउडर का कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, एकदम सॉर्ट ऑफ आप कर सकते हो मैक का जो स्टूडियो फिक्स ऐसा कुछ पाउडर फाउंडेशन होती है वैसा ही है। और इसका भी बहुत ही क्रीमी लाइट वेट है, इससे ज़्यादा ये है लाइट वेट, और ये थोड़ा सा री अप्लाई करनी पड़ती है, बट एक बार लगाने से ये बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग में चाहो तो पर्पल का मैं सजेस्ट करूँगी कॉम्पैक्ट फॉर्म, और बनाना पाउडर का अगर आप एवरीडे पर्पस में चाहते हो जो रीअप्लाई करनी पड़े तो फिटमी ले लो। और लूज पाउडर, अभी लूज पाउडर में मैं आपको दोनों में से दिखाऊंगी, दिस इज़ फ्रॉम फिटमी का, बहुत ही बेस्ट वाला मुझे लगी, पैकेजिंग से लेके इसका सब कुछ, प्राइस एवरीथिंग। प्राइस भी है इसका 500 अराउंड है शायद, मैं आपको दिख के बताती हूँ। क्वान्टिटी तो है 20 ग्राम्स एंड प्राइस है 695, मुझे 550 में मिली डिस्काउंट में। नायका में बहुत बढ़िया बढ़िया सेल मिलती है, उसके उस पर भी नायक मेबलिन के ऊपर अलग से और भी ज़्यादा सेल मिलती है, उसमें देख सकते हो।
तो इसका मैं दिखा दूँ, थोड़ा मेसी हो चुकी है अभी, इसमें कोई ब्रश या पफ कोई प्रोवाइड नहीं करती है। यह यहाँ पे आपको लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करो, या आप पाउडर ब्रश यूज़ करना चाहते हो तो करो। बेकिंग मस्त करती है। एक बार अंडर एरिया सेट कर लो कंसीलर, तो 5 to 6 या 8 to 9 hours तक भी मैं गाटी देती हूँ, अच्छे से रहेगी, आपका क्रीज लाइन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है तो, और बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप करते हो तो कभी कभी क्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। और ऑयल वो अच्छे से कंट्रोल करती है, लेकिन आपको सब कुछ करनी है मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पंज के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। बहुत देर तक टिकती है, बहुत देर तक रहती है, बहुत अच्छा कवरेज देती है। ये इसका जो शेड है, मेरा शेड है 15, ये एकदम परफेक्ट शेड है, एकदम बटर, टोटल बटर की तरह लाइट वेट ग्लाइड होती है। आप देख सकते हो सभी में से ये लगती है टोटल कवरेज मेरी स्किन में, यही है अभी, ये जैसे कि फाउंडेशन है मेरी स्किन की, मैं इतना ज़्यादा फ़ैन बन गई हूँ इसकी। ये मेरा रिसेंट परचेस है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बट ये मेरा थर्ड टाइम परचेस है। ये है रेवोल्यूशन का लग्जूरियस बेकिंग बनाना पाउडर, आई मीन शेड है बनाना इसका, और भी टेराकोटा आती है, और होती है गोस्ट या कुछ बहुत सफ़ेद वाला में, वाइट कास्ट देती है जो बहुत ही पेल स्किन के लिए होती है। ये हमारे स्किन के लिए, एशियन स्किन के लिए टेराकोटा है, बहुत ही डीप डस्ट की जो होती है ना उनके लिए। तो ये तीनों शेड्स में ही अवेलेबल है। इसका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, प्राइस भी सबसे ज़्यादा है, 42 grams है प्राइस है डियर, 800 something, लेकिन डिस्काउंट में 640-650 तक मिल जाती है। इसका भी शेल्फ लाइफ है डियर 3 years, 850 है इसका प्राइस। मैं काफ़ी समय तक इसको 680-650 तक भी ले चुकी हूँ, तभी मैं परचेस करती हूँ। बहुत दिन तक चलती है, लेकिन पैकेजिंग बहुत ही गड़बड़ है, आप इसको ट्रैवल टाइम में बिल्कुल नहीं ले पाते हो। मैं क्या करती हूँ, छोटा सा कोई प्लास्टिक कंटेनर ले लेती हूँ, उसमें मैं फिल कर लेती हूँ, फिर बेकिंग जैसे कि सब कुछ करती हूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, उसमें टिकाऊ होती है, पोर्स जैसे कि मेरी ज़्यादा है तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लूज पाउडर ही रिकमेंड करूँगी आपको। अगर आपका पोर्स ओपन है, ऑयल सिक्रेशन है, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, पोर्स को हाइड करती है। तो ये था मेरा आज का कलेक्शन, आई होप आपको इसमें से कुछ अच्छा या हेल्पफुल कुछ हो सके, तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।